आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। छठ महापर्व के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। महापर्व छठ के अनुष्ठान पर ग्रह गोचरों का शुभ संयोग बन रहा है। बता दें आपको कि भारतीय प्राच्य विद्या सोसाइटी के प्रतीक मिश्रपुरी ने बताया कि नहाए खाए से लेकर उदयीमान सूर्य को अर्घ देने तक कई योग बन रहे हैं जो शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि नहाए खाए के दिन सूर्य के तीसरे भाव में चंद्रमा होने से वरिष्ठ योग एवं सूर्य व बुध साथ होने से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में व्रति नहाए खाए पर गंगा स्नान करने के बाद अरवा चावल चने की दाल व कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही 9 नवम्बर को खरना के दिन रस केसरी योग बन रहा है। 10 नवंबर को गजकेसरी योग में व्रति सायंकाली अर्घ्य देंगे तो वहीं उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पराक्रम योग बन रहा है जिसमें व्रति अपने व्रत का समापन करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।